नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे एक जादुई वेट लॉस की कहानी। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है कराची पाकिस्तान से मलाइका जी। ये आज से कुछ समय पहले ऐसी दिखाई दिया करती थी, लेकिन ये बहुत परेशान थी अपने वेट से, तो इन्होंने ठान लिया मैं अपना वेट लॉस करके रहूँगी। इनको एक जादुई फार्मूला मिला वज़न घटाने का, उसको फॉलो करना शुरू किया तो इनके शरीर में कुछ परिवर्तन आया और ये ऐसी दिखाई देने लगी। फिर थोड़ी और मेहनत की तो ये ऐसी दिखाई देने लगी। फिर इन्होंने ठान लिया मैं करके ही रहूँगी, उसके बाद ये ऐसी दिखने लगी। और थोड़ी और मेहनत की तो ये ऐसी दिखने लगी। और अब आप देखकर हैरान हो जाओगे, फाइनली आज ये ऐसी दिखाई देती हैं। पहले ऐसी दिखती थी और आज ऐसी दिखती हैं, है ना ये अपने आप में करिश्मा। एक लेडी ने घर बैठे बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना कोई डाइटिंग किए, इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, हम मलाइका जी के मुंह से ही सुनेंगे। हमने कोशिश की थी इनके साथ एक इंटरव्यू करने की, तो आइए आपको सुनाते हैं उस इंटरव्यू की झलकियाँ। हेलो हेलो मैडम, हेलो। आपके वहाँ पे नेटवर्क का इशू चल रहा है लगता है। क्या जी चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी आज ही चल रहा है, वरना ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, हम आज आपसे पूरी कोशिश कर रहे हैं बात करने की, क्योंकि आपसे बात होगी ना, पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगी आपसे बात करके। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं भी आपके साथ बात करूँ। अच्छा, वेरी गुड। आप पहले मैडम एक बार अपना पूरा नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नेम जो है ना, मलाइका कमल है। जो ओके ओके, मलाइका कमल जी आपका नाम है। और आप कहाँ से मैडम, कौन से शहर से बोल रहे हैं? कराची पाकिस्तान से हूँ। कराची पाकिस्तान से है। तो मैडम आपकी जो फोटो थी ना, वो मेरी वाइफ ने देखी परसों, तो उन्होंने देखने के बाद मुझे आपकी वो जो आपने पोस्ट भेजी थी वो मुझे शेयर कर दी। उन्होंने कहा वो देखो कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, और इतने तो कमाल ही कर दिया इन्होंने। तो वाकई में वो जो फोटो थी आपकी पहले वाली और अब वाली जो है, तो वो उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है सर। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, कि मुझे मेरे बच्चे भी नहीं पहचानते हैं कि आप वही मोटी वाली मम्मा हो। और आज से 2020 की बात है, 2020 की बात है, 21 अक्टूबर। तो मैं लेटी हुई थी अपने ही घर में, तो मेरा अपने ब्रेस्ट पे ऐसे हाथ लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो सीस्ट बना हुआ था। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, बोला कि अल्लाह ना करे ये कैंसर में चेंज हो सकता है, ये पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, अल्ट्रासाउंड के लिए गई, एक्सरा के लिए गई, तो सबने मुझे यही बोला कि आपको फैट है कुछ भी नहीं, आपको बस फैट कम करो, आपको चर्बी बहुत। अब मैं ना सोच रही, परेशान भी बहुत ज्यादा थी, कि मेरी बड़ी जिद्दी टाइप चर्बी थी बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे सर्च कर रही थी, क्योंकि मैं सीरियस नहीं होती थी अपने वेट को लेके ना, वो सीस्ट की वजह से मैं सीरियस। तो जब मेरी चर्बी हुई थी सर, उस वक्त मेरा वेट जो था वो 38 kg था। ओके, 38 kg, और मेरी जो एज थी वो 14 years थी। काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी आपकी। शादी हुई थी, तो अभी माशाल्लाह मेरा बेटा है वो मुझसे हाइट में बड़ा है। कोई यकीन नहीं करता वो मेरा बेटा है, और अब तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो वो बात हो रही थी, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी ना, तो उसमें ना जैसे वेट लॉस की वीडियोस आती हैं, तो एक वीडियो मुझे आपकी मिल गई। अब मैंने मलाइका, मैं जिम भी जा चुकी हूँ पर मुझे कोई असर ही नहीं होता है, इतनी हैवी एक्सरसाइज मशीनें सब कुछ। तो मैंने कहा ये तो सर बहुत आसान फार्मूला बता रहे हैं 32 बार ना, तो मैंने बस आज से इससे आसान कोई है ही नहीं ना, ये पूरे माइंड सेट ना ही करना है मुझे, मुझसे नहीं एक्सरसाइज होती, क्योंकि सर मेरे जो बेबी है ना वो सीजर से हुए ना, तो मैंने मशीनें मैं नहीं उठा सकती। मलाइका तुम्हारे जैसी लेजी और कोई हो ही नहीं सकती, यही कर बैठ के। मैंने बैठ के और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज से मैं ये कर, उसी दिन से, अच्छा उसी दिन से डिनर का टाइम था और मैं उसी टाइम शुरू हो गई। मैंने कहा खबरदार कोई किचन में नहीं आएगा, और मैं आराम से बैठूंगी सुकून से, और मुझे सुकून से खाने मिल जाए। वरना सर वो पहले जब आपकी वीडियो सुन रही थी ना, तो मोटिवेट हो रही थी, तो वो उसमें आप कह रहे थे कि रिलैक्स के खाना है, सोचना नहीं, इधर का नहीं उधर का नहीं, टेंशन नहीं। सर मैं आपकी वीडियोस लगा लेती
और मैं बैठी होती थी 32 बार शुरुआत की मैंने जब, तो मैं शुरू में ही 40 बार भी च्यू कर लेती थी और 45 बार भी च्यू कर लेती थी मैं। तो ये बहुत ही आसान काम था, मतलब मैं बहुत लेजी हूँ ना, मैं अपनी सही बता रही हूँ, मैं बहुत लेजी। तो मैंने बोला कि खाते ही रहना है बस, मलाई का खाते ही रहना है। और सर मेरी आदत थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीती थी ना, पूरे घटाघट 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को मुंह लगाना, फ्रिज के साथ खड़े होके पी लेना, और बाहर का भी इतना खाती नहीं थी। और मैं जॉब करती थी, हॉस्पिटल स्टाफ थी ना, तो बंदे को भी आपको पता है टाइम नहीं होता खाने का सही तरह से, तो दोपहर में तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस ऐसे ही रूटीन चल रही थी। लेकिन कोई ये फेसबुक पूछ भी रहे थे कि आपने खाना कम किया होगा 32 बार में आके, मैंने उनको बताया कि प्रॉपर 3 टाइम पे मील लेना शुरू कर दिया था। बल्कि मैंने कहा मुझे सुबह में भी खाना, जी जी पहले मैं नहीं खाती थी, पहले मैं भूखी रहती थी और पूरा पूरा दिन मैं भूखी रहती थी जी। और शाम में घर में आती थी छुट्टी करके, तो पूरा दिन ये होता था दूध पी लेती थी, मिल्क शेक पी लेती थी, बनाना का बना लिया, मैंगो बना लिया, वो पूरा दिन दूध पीते रहे और खाना बिल्कुल भी नहीं मैं खाती थी। लेकिन जब मैं शाम को आती थी तो फिर मैं पूरे दिन का एक ही वक्त में खाती थी। अब आप अच्छा सोच सकते हैं 83 थी तो मैं खाना भी अच्छा वाला ही खाती होंगी एक ही दफा। फिर तो कितना वेट था आपका पहले? 83 था। ओके जी, ठीक है ठीक है जी। जब मैं जिम ज्वाइन किया ना सर, तो मैं स्केल पड़ी हुई तो 83 था, तो मुझे डर लग रहा था कि वो स्केल वो मिरर का था ना, तो मैंने कहा ये ना मैं ऊपर पांव रखूं तो ये टूट जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ, आप खड़े हो जाओ। तो जब मैं खड़ी हुई तो सर मैं कहती हूँ उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी ये कर सकती हूँ ना। और मैं कहती हूँ कि आप मेरे लिए, नाम तो मेरा मलाइका है और हमारे में मुसलमानों में मलाइका का नाम फरिश्ता होता है ना, लेकिन मैं कहती हूँ कि सर आप मेरे लिए मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बनकर आए हो। मैं जब से 32 बार में आई मैं उसी दिन सीरियस हो गई कि मैंने सर को सुनना है। अच्छा मेरे हस्बैंड मुझे पता क्या कहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि अब लगता है सर की जो वीडियो तुम देखती हो सुनती हो ना, तुम्हारे दिमाग से भी चर्बी उतर गई है। तो तो मैं इतना हंसती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा। वो मुझे समझाते थे शुरू में ना, मलाइका ऐसा नहीं खाया करो, मलाइका ऐसा नहीं किया करो, मलाइका चबा के। लेकिन मलाइका को कहाँ समझ आती है कि मलाइका, मलाइका तो बस खाने वाली थी मशीन एक, कि मुझे जिस तरह भी खाने को मिले बस मैं खाती रहूं। और मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, कुकिंग का भी बहुत शौक है और मैं खाना भी बहुत शौक से खाती भी बहुत शौक से। तो सर जब मैं जिम गई, मैंने जिम वाली मैम को बोला था कि मैम क्या मेरा 80 हो जाएगा, 80 kg, मैंने कहा मैम मेरा कभी हो जाएगा? तो उन्होंने बोला आप मेहनत करो हो जाएगा। तो मैंने कोई डाइट प्लान वगैरह दो, कहते नहीं आप बस बाहर का खाना छोड़ दो। उन्होंने मुझे कोई डाइट प्लान वगैरह नहीं दिया। एक सेकंड मैं आपकी पहले सब लोगों को फोटो दिखा दूं कि आप पहले दिखते कैसे थे। ये जो हम देख रहे हैं फोटो आपकी, तो आपने मेरी वीडियो देखनी कब से शुरू की है जी? अक्टूबर में 2020 के अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट लिया था, उसी दिन मैंने वीडियो देखी थी 22 अक्टूबर को। और ये जो लास्ट में ये जो रेड कलर, ये तो आप करंटली अभी ऐसे ही दिखाई देते हो सर? ये लास्ट वीक मैंने बनाई थी। लास्ट वीक आपने फोटो ली थी, तो ये तो बहुत जबरदस्त चेंज हम देख रहे हैं जी आपके अंदर। देखो ना, मतलब आप पहले क्या से और अब क्या हो गए। तो ये टोटल कितना वेट कम हुआ आपका? 29 kg सर। 39 kg। 29 kg। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते हम मलाइका जी से और बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर किसी दिन दोबारा जुड़ेंगे मलाइका जी के साथ और जानेंगे डिटेल में कि इन्होंने क्या क्या फॉलो किया था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं एक्चुअल में इन्होंने किया क्या। इन्होंने एक जादुई फार्मूला, 32 बार का फार्मूला फॉलो किया, जिससे इनका 29 किलो वजन कम हो गया। लेकिन अकेले 32 बार के फार्मूला से कुछ नहीं होता, 32 बार के फार्मूला के साथ मोटिवेशन चाहिए होती है, यानी कि प्रेरणा चाहिए होती है। अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो है मोटिवेशन। और मोटिवेशन के लिए हर हफ्ते मैं वीडियोस बनाता हूँ,
उन वीडियो के अंदर पूरी जान लगा देता हूँ कि आप लोगों को प्रेरित करूँ जिससे आप अपना वजन कम कर सके। यही मलाइका जी ने भी किया। ये क्या कह रही हैं कि मैं खाना खाते हुए कान में हेडफोन लगा के आपकी वीडियोज़ देखती रहती थी और वीडियो में मैं सिर्फ मोटिवेट करने का काम करता हूँ। और 32 बार का फॉर्मूला सबको पता है कि जब भी खाना खाओ छोटे छोटे टुकड़े लो और हर टुकड़े को इतना ज़्यादा चबाओ के मुंह में जब वो पानी बन जाए तब उसको अंदर लेकर जाओ। अगर गिनती गिनना पड़े तो कम से कम 32 बार तक गिनती गिन लो। खाना खाने के अंदर कम से कम आधा घंटे का समय लगना चाहिए। लोग 5 या 10 मिनट में खाना ख़त्म कर देते हैं लेकिन 20 या 25 मिनट के बाद हर इंसान को एक डकार आती है, उसके बाद खाना खाने का मन नहीं करता। तो तब तक इंतज़ार करें, टेबल पर बैठे रहें। खाना खाने के एक घंटे के बाद एक कप ग्रीन टी पिएं। खाना हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाएं। ये पांचों बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका वज़न कम होगा। उसके साथ अपने अंदर थोड़ा जोश भरिए, सुबह शाम वॉक कीजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, अपनी कल्पना कीजिए कि जब मैं पतला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो कैसे दिखाई दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना और सीखना और पूरी कोशिश करना, 32 बार का फॉर्मूला आज ही से शुरू करना और वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट 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 ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हो तो 32bar.com पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, शिया सीड्स और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।